हेलो दोस्तों और गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने ड्यूटी करके और 5:30 बजे आ गई थी बस। आगे मैंने चाय पी है और थोड़े से बर्तन से सुबह के चाय बैठ के वो मैंने वॉश किए और अभी मैंने वहाँ पे रखी हुई है दाल उबालने के लिए। तो आज मौसम अजीब सा हो रहा था, मतलब दिन भर तो धूप धूप से थी और अभी मौसम बिल्कुल एकदम चेंज हो गया। तो अंदर तो क्या हो रहा है ना कि मतलब इतना ठंडा नहीं लग रहा है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब बाहर जाऊँगा तो अजीब सी कुड़कुड़ाती हुई ठंडा भी है। तो मैं आ गई थी शॉप से और मैंने सोचा कि यार मैं 6 बज गए हैं अभी और दाल वाल क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो दाल बना देती हूँ, दाल के साथ कोई सब्जी बना दूँगी, क्योंकि जब सब्जी बनती है तब दाल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दाल के साथ सब्जी की ज़रूरत तो होती है। तो सोच रही मैं क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो देखते हैं फ्रिज में क्या क्या सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, तो उसी के हिसाब से बनाऊँगी। तो दाल मैंने रख रखी है मूंग की, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा हो रहा है फीवर जैसा और क्या कहते हो गले में जो खिचखिच जैसा हो जाता ना, खांसी टाइप की, खांसी भी नहीं है वो, मतलब खिचखिच हो रही है गले में। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी दाल सही रहती है, जुकाम है ना, मतलब मन करता है जैसे चटपटा और तरी वाला कुछ ऐसा खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो मैं दाल ही बना देती हूँ। तो बस दाल रखी है मैंने मूंग की और सब्जियाँ देखती हूँ अभी फ्रिज में। तो सब्जियों में ये बीन्स और मटर दोनों ले आई हूँ। सोच रही हूँ आज थोड़ा टाइम पर अभी हूँ, फिर उनको काट वाट के रख देती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं ड्यूटी का शेड्यूल आजकल कुछ पता नहीं चल रहा, कभी कौन सी ड्यूटी लग रही है, कभी कोई ड्यूटी लग रही है, तो इस वजह से फिर दिक्कत हो रही है। तो अभी आ गई हूँ आज, तो इनको भी मैं फटाफट से काट देती हूँ। तो चलिए सब्जियाँ की, इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी रहता है ना तो पूरी तो खराब होने लग जाती है। तो मैंने खोल के भी नहीं रखी हुई थी, तो थोड़ा सा पानी भी लग गया है, तो इनको थोड़ा सा मैं सुखा लूँगी पहले, फिर रखूँगी मैं फ्रिज में। आज मैंने ना कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि मुझे ये धोना ही था कुर्ता, तो इस वजह से मैंने चेंज नहीं किया। और ये मैंने स्टॉलर्स पे ओढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने स्वेटर नहीं पहनी हुई है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है स्वेटर पहन के काम करने में, तो इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहनी। और इसका गला ना थोड़ा सा खुला हुआ है, तो इसलिए मैंने स्टॉल ओढ़ दिया है। तो चलिए पहले मैं इन सब्जियों को काट देती हूँ। और तो मैंने ना अभी सब्जी छोड़ दी है काटनी, उतनी काटनी मैंने जरूरत है अभी, क्योंकि 6:30 हो गए हैं, इनका आने का भी टाइम हो गया है और सब्जी को बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने उतनी काटी है, बाकी मैं आराम से बैठ के काटूंगी। तो अभी सबसे पहले मैं कर देती हूँ खाने की तैयारी, रात हो चुकी है, बस छौंकनी छौंकनी है और सब्जी भी छौंक देती है।
तो दाल सब्जी छौंक दी है मैंने, तो अभी मैं पहले सब्जियां काट देती हूँ। आटा गूंद लगा है, आटा गूंदने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह के लिए काटो गूंदूंगी आटा, तो बाद में गूंदूंगी आराम से। तो अभी पहले सब्जियां काट देती हूँ, तो एकदम मिलती हूँ आपको। खाना मैंने बना दिया है, इनको दे भी दिया है मैंने खाना, और मैं भी अभी खाऊंगी खाना। 8:30 हो गए हैं और अभी मटर छिलने के लिए हैं, बाकी सब्जी मैंने काट दी है और जैकेट पहन ही लिया मैंने क्योंकि ठंडा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो जैकेट पहन लेते हैं। तो बस चलिए अभी मैं खाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ मैं आपको। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और कल का जो ब्लॉग था वो मैं एंड नहीं कर पाई, आगे ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था टाइम और काम ज़्यादा था, तो इस वजह से। तो आज मैंने अभी यहाँ पे रख रखे हैं आलू उबालने के लिए, और दाल रात की बची हुई है थोड़ी सी, वही हो जाएगी। आज मुझे जाना है 11 बजे, और 8 बजे घर आना है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आलू की थोड़ा सूखी सब्जी बना लूँगी, शाम के काम भी आ जाएगी। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय, तो ये मेरी सेकंड चाय है, एक चाय मेरी हो चुकी है जब हम ऑफिस गए थे, तो ये मेरी है सेकंड वाली चाय। तो वहाँ पर मैंने थोड़ी सब्जियाँ भी सुखाने के लिए रखी हुई थी क्योंकि थोड़ा सा पानी था ना, तो मॉइस्चर आ जाता है सब्जियों में इस वजह से। तो चलिए पहले मैं पीती हूँ चाय और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो मैंने ना 2 दिन से दूध भी गर्म नहीं किया था, ऐसे फ्रिज में रखा हुआ था, तो सोचा चलो 2 दिन का दूध एक साथ ही गर्म कर देती हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि इस छन्नी से जो दूध छान रहे हो ये टूटी हुई है, तो जो मेरी वो ओरिजिनल वाली छन्नी जिसे मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, उससे मैंने चाय छान रखी है, तो इसलिए ये वाली रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसी से छान देती हूँ, कभी कभी मतलब ये भी यूज़ हो जाती है। तो किचन में दूध वूध रख के मैं आ गई हूँ, और मतलब जैसे मैं किचन में जाती हूँ ना वैसे लाइट चली जाती है, अंधेरा इतना हो जाता है कि कुछ काम नहीं होता है किचन में फिर, तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो मुझे ना फिर आधे काम बाहर आके करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ काम तो ऐसा होता है कि यार जो किचन में ही रह के किए जा सकते हैं, बाहर आके तो नहीं हो सकता है, तो इस वजह से। तो चलो आ गई अलग भी, शुक्र है टाइम पे आ गई। तो ये मैंने सब्जियां काट के रखी हुई थी, तो ये मुझे रखनी थी, तो इनको स्टोर करने के लिए ना ये इस टाइप के जो कंटेनर हैं इनको मैं ले आई हूँ, मतलब मैं नहीं लाई हूँ इनको, इनको लाने वाले थे अमित के कलीग, तो रिपब्लिक डे सेल थी ना, तो उस पर वो लेके आ गए थे इनको, और उन्होंने शायद ये ज़्यादा मंगा दिए थे, मतलब ये पेयर में आते हैं, 2 का पेयर आता है या 4 का पेयर आता है या फिर 8 का आता है या फिर 12 का आता है या फिर 14 का आता है, इस टाइप से पेयर्स में आते हैं। तो उन्होंने मतलब सस्ते के चक्कर में उन्होंने ना रिपब्लिक डे सेल थी अमेजोन पे, तो उन्होंने क्या किया कि ये 14 बॉक्स मंगा दिए। अब 14 बॉक्स मंगाए इन्होंने, तो फिर जगह भी इतनी नहीं थी और इतना सामान भी नहीं था कि जो रखें, तो उन्होंने मुझे 7 बॉक्स उन्होंने ये मुझे दे दिए, 7 हैं कि 6 हैं कुछ पता नहीं, 3 तो मैंने रखे हुए हैं और 2 ये हैं, 5 बॉक्स उन्होंने मुझे दे दिए ये। तो
मैं फिर ले आई, मैंने कहा चलो मेरे भी काम का है ये। तो अभी मेरे फ्रिज में प्रॉब्लम ये थी ना कि ये मतलब बिल्कुल भी स्पेस नहीं हो रहा था इसमें। ये देखिए आप कि ये दो जो एक तो ये इसी से भर गया, जैसे ऐसा रख दो, फिर दूध का बर्तन थोड़ा चौड़ा होता है तो उसको रखने के लिए भी बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही थी, और काफ़ी दिक्कत होती थी इस वाले फ्रिज में इस टाइप से। तो देखते हैं अभी कि मतलब अभी तो मैं इसमें रख ही रही हूँ सामान, तो किस हेल्प करेगा भी कि नहीं करेगा। वैसे तो मतलब थोड़ा स्पेस मैंने ये 3 डब्बे भर के रखे तो हैं, तो इतना स्पेस इनका बच गया है। तो अगर हम मतलब 1 1 किलो सब्जी रखते तो ये नीचे भी पूरा भर जाता और इधर भी भर जाता, तो काट के रख दी है तो इतनी जगह बच गई है इससे। और दूसरा बेनिफिट मुझे ये लगा इसका इन कंटेनर का कि जैसे मतलब हम लोगों के पास जैसे टाइम नहीं होता है, अब बीन्स जैसे सब्जी ऐसी होती है कि जिसको काटने बैठो तो काफ़ी टाइम लग जाता है और बारीकी से काटनी पड़ती है तो इसमें टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से अगर हम मतलब 1 दिन का टाइम लगेगा, कभी जिस दिन भी छुट्टी हो संडे वनडे वाले दिन, उस दिन बैठ जाओ सारी सब्जियों को इस तरीके से काट वाट के और इन कंटेनर में रख दो, तो आपका मतलब टाइम भी बच जाएगा। तो उनके हमारे फ्रिज में और उनके फ्रिज में एक ही जैसी प्रॉब्लम थी जिसमें मतलब स्पेस नहीं हो रहा था। तो एक दिन मैंने बताया था उनको कि मतलब इस टाइप के कंटेनर्स आते हैं, चेक कर लेना आप, तो उन्होंने चेक किए होंगे तो मिल गए अच्छे से। तो चलो मेरा भी काम हो गया है, उनका भी काम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि उनके साथ भी छोटा बच्चा है तो दिक्कत हो ही जाती है बच्चों के साथ फिर घर पे, तो इस वजह से। तो जैसे मैं वर्किंग हूँ तो अब मेरे को काट के रखी हुई है सब्जियाँ, तो टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि घर जाके सब्जी काटनी है। काट दी हैं सब्जियाँ, बस जब बनानी हो धोई और बना दी। तो ये बेनिफिट है। तो इस फ्रिज को हम कई दिन सोच रहे थे मतलब पहले कि इसको एक्सचेंज कर देते हैं, इसकी जगह थोड़ा सा मतलब बड़ा स्पेसियस लेके आते हैं, लेकिन वही है कि जब चीज़ एक बार जुड़ जाती है ना फिर बार बार ऐसे चेंज करना नहीं हो पाता है चीज़ों का, तो वो पॉसिबल नहीं था। और दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब हमने जहाँ से ये फ्रिज लिया था अब ये वो उसी रेट पे नहीं जाएगा जिस रेट पे हमने ले रखा है, वो तो इसमें कुछ परसेंटेज काट के वापस लेंगे तब एक्सचेंज करेंगे। तो इस वजह से तो अभी फ्रिज के अंदर मतलब इसी टाइप के कुछ ऐसे गैजेट्स लाने पड़ेंगे हमको कि जैसे ये जगह बन जाए, क्योंकि अभी तक तो सर्दियां थी, गर्मियों में तो बहुत परेशानी होती है क्योंकि सब चीज़ें मतलब रखनी पड़ती हैं फ्रिज के अंदर। तो अभी तो चलो सब्जियां भी बाहर रहती हैं कई सब्जियां, तो ये रहता है कि चलो ख़राब नहीं होगी सर्दियाँ है, लेकिन अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो दूध भी अंदर जाएगा, सब्जियां भी अंदर जाएगी, कुछ सामान बचेगा खाना वाना वो भी सब अंदर जाएगा। तो इस वजह से फिर बहुत दिक्कत होती है, गर्मियों में तो बहुत ही दिक्कत हुई हमें इस फ्रिज के साथ। लेकिन चलो अब देखते हैं कुछ इस टाइप के टूल्स अगर और भी मिलते हैं तो देखेंगे, मैं सर्च करूंगी कि क्या टूल्स और हो सकते हैं इसके लिए। तो चलिए फिर आलू मेरे उबल चुके हैं, उनको छीलती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो आज जो ये आलू है ना ये बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं, और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि कल है संडे। प्योर जो गढ़वाली स्टाइल है ना, पहाड़ी स्टाइल, उसमें बना दिए मैंने आज ही आलू। तो दोस्तों हो गया है काम सारा सुबह का, और लाइट बार बार जा रही है। अब जैसे मतलब गर्मियों के दिन आने वाले हैं ना, वैसे वैसे लाइट के ड्रामे स्टार्ट होने लग गए हैं। तो बस अभी से स्टार्ट हो गए, अब लंबे लंबे कट लगेंगे, जैसे मतलब मई जून का महीना आएगा वैसे वैसे लंबे लंबे कट स्टार्ट हो जाएंगे लाइट के। तो बस मुझे करना था ब्लॉग का एंड, तो मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। और 11 बजने में अभी 5 मिनट हैं, तो
लेट भी हो रही है, तो चलिए फिर ब्लॉग एंड मैं अभी यहीं पे करती हूँ। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अब आपको कल नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।